हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर देखना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तहसील। तहसील किसी भी गांव का एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होती है, जहां पर गांव से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं सारे वहीं पर होते हैं। ये जो दिख रहा है ना, ये पुआल है। ये धान का बचा हुआ हिस्सा होता है, उसकी स्टेम होती है। जब अक्टूबर नवंबर में धान कट जाता है ना, तो उसका बचा हुआ हिस्सा किसान रख लेते हैं। बाद में यही जब जाड़ों में चारा नहीं मिलता है तो यही उसे खिलाते हैं चारे के तौर पे। बाकी और जगह हम सुनते हैं ना कि खेत में जला दिया या ऐसा, नहीं पॉल्यूशन होता काफ़ी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इसको बचा कर रख लेते हैं, बाद में जाड़ों में काम आता है, चारे के तौर पर इस्तेमाल होता है ये। अभी आगे एक नहर दिखेगी। ये जो नहर है ना, ये यहाँ पे सिंचाई के लिए है पूरा। ये दिख रही ना, ये वाली। अब इसमें पानी कम है, जाड़े में पानी तो आता नहीं है। ये है मेन गांव का व्यू, और ये पहचान रहे, ये खपड़े का घर है। पुराने ज़माने में इसी का होता था ना। ये बस आखिरी बच्चा है, और उधर पीछे लोगों ने वो पूरी सब्जियां लगा रखी हैं। ये सरसों हैं, क्योंकि अभी सब साग का मौसम चल रहा है ना, जाड़े में तो पूरा साग ही साग रहता है। साग बथुआ, बथुआ तो यहाँ खेत में ही उग जाता है, वो भी अपने आप ही। ये कद्दू के पौधे हैं, ये जमीन पर लगा रखे हैं। देखिए ना, घर का उगा एकदम ताजा, देखिए कैसे भका भक नाखून। अरे हंडी, फकौली बाजार जाऊँ, वहाँ से जाऊँ। फकौली बाजार में ऐसा ताजा लौकी कहाँ मिलेगा? रखिए ना भाई, रखिए, रख लीजिए, पैसा बच। यहाँ काम भर की सारी सब्जियाँ तो घर के पीछे लगी हुई हैं, आराम से देख रही है। पूरा साग लगा हुआ है। ये मटर के पौधे हैं, मटर जो होते हैं ना। ये पाइपलाइन बिछ रहा है पीने का पानी जो होता है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ पानी नहीं है, लेकिन अब हर चीज़ हाईटेक हो रहा है ना, गांव भी धीरे धीरे मॉडर्न हो रहे हैं। यहाँ बकरियाँ पाल लगी थी लोगों ने। ये देखो तांगा है, अभी भी चल रहा है गांव में। अब हम लोग जा रहे हैं खेत घूमने। चलो खेत दिखाते हैं तुम्हें कैसे होते हैं। अभी मेनली चल रहा है जाड़े का सीज़न, तो जाड़े में गेहूं, गन्ना और सरसों, ये तीन चीज़ें बोई जाती हैं मेनली। इनका बोने का जो टाइम होता है वो नवंबर दिसंबर होता है। ये नवंबर दिसंबर में बोया जाता है, और मार्च या अप्रैल में इनकी कटाई होती है। ये चरवाहे लोग हैं। अब शाम हो रही है ना, तो अब लेके अपने जानवर वापस जा रहे हैं घर। जो लोग खेत में काम कर रहे थे, शाम होते होते घर वापस चले जाते हैं। ये देखो बकरियां भी हैं, ये भी जा रही हैं घर, सब लोग। ये गांव का पोखरा है, यहीं पे मतलब छठ पूजा भी यहीं पे होती है, और इसी में ये एक यहाँ के लोगों ने मछलियाँ पाल रखी हैं, तो यहीं से निकल के मार्केट जाती हैं। ऐसे और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा वाला यही है। सनसेट देखो कितना प्यारा लग रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।